हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका खाना सीखो में। आज हम बनाएंगे आम का प्रीमिक्स। इस तरह से प्रीमिक्स बना करके आप स्टोर कर सकते हो और जब भी मन करे तब आप आम का मिल्क शेक, आम की रसना, आइसक्रीम, केक, मिठाई, इनमें से जो भी रेसिपी आपको पसंद है वो बना करके आप एंजॉय कर सकते हो। तो चलिए आज की मज़ेदार रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक आम लिया है। आम के छिलके को निकाल करके इसे पीसीस में कट कर देंगे। तो ये मैंने पूरे आम को कट कर लिया है। अब हम एक मिक्सी का जार लेंगे और आम को हम मिक्सी के जार में डाल देंगे और इसमें पानी वगैरह कुछ भी नहीं डालना है और इसकी प्यूरी बना करके तैयार करेंगे। तो ये देखिए, आम की प्यूरी बन करके तैयार है। और इसे मैंने एक कटोरी में भरी है। तो आम की प्यूरी हमें एक कटोरी है, तो इसमें हम 1.5 कटोरी चीनी डालेंगे और इसे अच्छे से मिला लेंगे। तो ये हमने आम की प्यूरी को अच्छे से मिला लिया है। अब हम एक थाली लेंगे और आम की प्यूरी को हम थाली में अच्छे से फैला लेंगे। ये देखिए, इस तरह से एकदम पतला पतला फैलाना है। अगर मोटा फैलाएंगे तो इसे सूखने में टाइम लगेगा, तो हमें इस तरह से पतला ही फैलाना है। तो ये 2 दिन में सूख करके तैयार हो जाएगा। तो ये मैंने 2 थाली में भर दिया है। अब हम इसे धूप में रख देंगे। 1 दिन हो गया है और ये देखिए, इस तरह से सूख गई है। अभी अच्छे से सूखी नहीं है तो इसे हम निकाल देंगे थाली में से। और इसे फिर से धूप में सुखा देंगे। धूप में या फैन के नीचे आप कहीं पर भी सुखा सकते हो। 2 दिन के बाद हमारे आम अच्छे से सूख गए हैं, ये देखिए। बहुत ही अच्छे से सूख गए हैं। अब हम एक मिक्सी का जार लेंगे और इसे हम मिक्सी के जार में डाल करके इसका फाइन पाउडर तैयार करेंगे। तो ये देखिए, हमारा आम का प्रीमिक्स तैयार है। इसे हम जार में भर देंगे। इस तरह से जार में भर करके आप फ्रिज में रख दो और जब भी आम का सीजन ना हो तो भी आप इसे यूज कर सकते हो। अब हम 2 ग्लास लेंगे और दोनों में हम 2-2 चम्मच प्रीमिक्स डालेंगे। अब हम एक में दूध डालेंगे और एक में पानी डालेंगे। तो ये हमारा मैंगो मिल्क शेक और मैंगो रसना बन करके तैयार है। दोनों बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यम्मी बना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।